कि लोग मन मना के लड़ाई ठोके बैठे हुए नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इसलिए जितने भी षड्यंत्रकारी देश में लगे हुए हैं, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, जनता से सरोकार न रखते हुए षड्यंत्र की रचना रख रहे हैं और जनता का मन एकदम स्पष्ट है, बराबर है। एक तरह से कहिए कि विपक्ष मेंटली डिस्टर्ब चल रहा है। अब उसमें समझ में नहीं आ रहा है, ध्येय उन लोग का एक है कि कैसे रोको नरेंद्र मोदी। अब कैसे रोको में समझ में नहीं आ रहा, कभी सनातन धर्म पे प्रहार करो, कभी हमस के साथ खड़ा रहो, कभी क्या करो, तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है। लेकिन आज का भारत जो है, एक बड़ा डेमोग्राफी के हिसाब से, आबादी के हिसाब से देखिएगा तो यंग भारत, उसका सोच जो है वो बड़ा इस तरह के लोगों से सोच से भिन्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं आपके साथ विवेक मान। मुजफ्फरपुर जिले में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे या बड़ा जनसभा हो सकता है भाजपा की ओर से, और इससे देश की लोकसभा चुनाव में उनके भाजपा कार्यक्रम को लेकर तैयारी कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर आज मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, उन्होंने कई सारी बातों को भी बताया है। वहीं जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हो या राजद के नेता हो, बिहार में सनातन धर्म के खिलाफ लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, इस पर भी कई सारी बातों को कहा है और उन पर जमकर निशाना साधा। आगे पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। आगामी 5 तारीख को जो भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन मुजफ्फरपुर में हो रहा है, पताही मैदान में, उसी क्रम में आज खुला निमंत्रण का कार्यक्रम आरंभ हुआ है मुजफ्फरपुर में, और अभी कुर्दी में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ है, अगला कांटी में है, फिर बोछा में है, अलग अलग विधानसभा में है, और लोगों में बहुत उत्साह दिख रहा है। और 24 का जो आगाज का ये कार्यक्रम 5 तारीख को बुलंदी से होगा और मुजफ्फरपुर की जनता पूरी संख्या में उपस्थित रहेगी। एक चीज़ बड़ा स्पष्ट है, बिहार में चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं, घूम रहे हैं कि लोग मन मना के लड़ाई ठोके बैठे हुए नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इसलिए जितने भी षड्यंत्रकारी देश में लगे हुए हैं, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, जनता से सरोकार न रखते हुए षड्यंत्र की रचना रख रहे हैं और जनता का मन एकदम स्पष्ट है, बराबर है। लगातार जो है बिहार में दुर्गा रूपी धर्म है, सनातनी धर्म के खिलाफ बोला जा रहा है विपक्ष के द्वारा, क्या करिएगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब तो बहुत कुछ आप कह नहीं सकते हैं। बुद्धि जितना तक चल सकता है, ज्ञान जितना हो उसकी सीमा जो है, उत्तर प्रदेश में भी वहाँ लोग शुरू किए, यहाँ भी हुआ, आप परिणाम देख रहे हैं कि क्या है। मतलब आम आदमी इस बातों से सरोकार रख रहा है तो किस तरह से रख रहा है, ये तो आप लोग को भी पता ही होगा। आने वाले समय में क्या है कि एक तरह से कहिए कि विपक्ष मेंटली डिस्टर्ब चल रहा है। अब उसमें समझ में नहीं आ रहा है, ध्येय उन लोग का एक है कि कैसे रोको नरेंद्र मोदी। अब कैसे रोको में समझ में नहीं आ रहा, कभी सनातन धर्म पे प्रहार करो, कभी हमस के साथ खड़ा रहो, कभी क्या करो, तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है। और जनता एकदम परे हट कर इन लोग से सोच रही है और वो राष्ट्रहित में सोच रही है, कहाँ देश सुरक्षित, ये बड़ा स्पष्ट। और बिहार की जनता विशेष करके देखिएगा, जो रिजल्ट देने जा रहा है वो आगाज होगा 25 के भी परिवर्तन का। जी भाई, इसराइल के साथ खड़े नजर आते हैं, वहीं भारत में कई संगठन ऐसे जो फिलिस्तीन और हमास का समर्थन कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना ये। और आप बहुत उसमें दोष आप इसलिए भी नहीं दे सकते हैं, तो भारत का इतिहास देखिएगा तो एक तबका हमेशा ऐसा रहा है और उसी के चलते भारत में परेशानी भी हुई है। लेकिन आज का भारत जो है, एक बड़ा डेमोग्राफी के हिसाब से, आबादी के हिसाब से देखिएगा तो यंग भारत, उसका सोच जो है वो बड़ा इस तरह के लोगों से सोच से भिन्न। इसलिए कहीं स्थान है नहीं, शोर जो मचा लें, लोगों के मन में कोई स्थान नहीं। तो आपने सुना कि राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने क्या कुछ कहा, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से महागठबंधन हो या बिहार के राजद के नेता हो, सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से विरोधा भाजपा बयान देते हैं या उनकी मंसूबा को जनता तक समझती है, आने वाले चुनाव
में जनता ने दिखाई, उन्होंने बताया कि देश की जनता मन बना ली है कि फिर से प्रधानमंत्री देश का भाई नरेंद्र मोदी ही हो, और वे सारी बातों को भी कहे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर उन्होंने बताया कि दरअसल आज निमंत्रण कार्यक्रम में आए हुए थे और कई लोगों को निमंत्रण भी भेजा है। बड़ा जनसभा होगा जिससे लोकसभा चुनाव में काफ़ी जनता को समझाया जाएगा कि किस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।